प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य और केंद्र सरकारों के प्रमुख के तौर पर बुधवार को 20वें साल में प्रवेश कर गए हैं। इस दौरान उन्हें कोई ब्रेक नहीं मिला। इस तरह उन्होंने एक नेता के करियर के लिहाज से एक और मिसाल पेश कर दी है, जिनकी लुभावनी अपील ने बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी प्रतिष्ठा दिलाई है। मोदी को उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अचानक निकालकर बतौर मुख्यमंत्री गुजरात की सेवा करने का दायित्व दे दिया गया था, जब बीजेपी के अंदर असंतोष की आवाजें उठ रही थी। ऐसी परिस्थिति में मोदी ने गुजरात में लगातार तीन सरकारों का नेतृत्व करते हुए केंद्र में कांग्रेस के दबदबे को चुनौती देने का मजबूत आधार तैयार कर लिया। पीएम मोदी इस उपलब्धि पर अमित शाह ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री काल के 20 साल पूरे किए और इस 20 साल का आकलन राजनीतिक दृष्टि से और इसका विश्लेषण राज्य और देश के विकास की दृष्टि से करें तो कई चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने आते हैं। इसके कई डायमेंशन हैं, मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये 20 साल कुल मिलाकर संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम की मर्यादाओं के अंदर ही कल्याण राज्य की रचना कैसे हो सकती है, उसको चरितार्थ करने में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सफल रहा है। और डबल लेन वाली ये टनल है